रूस की सेना ने दावा किया कि उसने कीव के पास एक एयरफील्ड पर कब्जा कर लिया और अपने दावों को सही साबित करने के लिए उसने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें रूस के कुछ सैनिक एक एयरफील्ड की घेराबंदी करते दिखाई दिए। इससे पहले रूसी फौज के कई जवान हेलीकॉप्टरों के जरिए उसे एक सुनसान जगह पर उतारे गए। इसके बाद वो लोग धीरे धीरे एयरफील्ड की तरफ आगे बढ़े। थोड़ी ही देर बाद उन लोगों ने उस एयरफील्ड को चारों तरफ से घेर लिया और उसे अपने कब्जे में लेने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, एयरफील्ड पर मोर्चा संभालने के कुछ वक्त बाद रूस की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी एयरफील्ड पर तैनात कर दी गई और सुरक्षा के लिए कई हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराते नजर आए। इस दौरान रूसी फौजियों ने यूक्रेन की कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया, जिसके बाद वहां से आग की लपटें और धुएं का गुब्बार आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। उधर रूस और यूक्रेन के बीच 17 दिनों से जारी जंग अब और भी भीषण होती जा रही है। जल्द से जल्द यूक्रेन पर कब्जे के इरादे से रूसी सेना ने वहां के शहरों पर बमबारी बेहद तेज कर दी है, जिसकी एक तस्वीर निकोलेव शहर से भी सामने आई। वहां रूसी सेना की तरफ से दागे गए बमों ने तबाही मचा दी और एक रिहायशी इलाका एक एक कर हुए 3 धमाकों से बुरी तरह थर्रा उठा और लगातार 3 बॉम्ब फटने की वजह से वहां काले धुएं का गुबार उठता दिखा। रूसी हमलों से हुई तबाही की तस्वीरें चर्निव शहर से भी सामने आईं। वहां भारी बमबारी की वजह से कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। लगातार बमबारी में कई बिल्डिंग ध्वस्त हो गईं, तो कई झुक गईं। यही नहीं, कुछ जगहों पर तो बम फटने की वजह से बड़ा गड्ढा बना दिखा। वहां के मेयर ने रूसी सेना के हमलों में कई लोगों के मारे जाने का दावा किया। रूस के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से चर्निव शहर में हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया और ऐसा लगा मानो पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया हो।